अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सच में? अच्छा क्यों नहीं लगेगा बेटा? अच्छा अब उठ गए हैं, अभी लेट गए हैं। इनके बैग से कपड़े निकालने था तब मुझे मिला, तो शायद वो चाहते थे वो खुद ही निकाले मेरे ख्याल से, तो चलो ये भी ठीक है। खुद बोलो, बोल मैं नहीं बोल रहा, बोल शर्म लग रही है उनको। दोस्तों मेरे मिस्टर जी ना बहुत शर्माते हैं पता नहीं क्यों। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं राधिका ढौंडियाल एक बार फिर आ गई हूँ अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेस ढौंडियाल में। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलो दोस्तों करते हैं आज का ब्लॉग यहाँ से शुरू। तो आज की ब्लॉगिंग स्टार्ट हो रही है 12 बजे से, 12 बज ही चुके हैं दोस्तों। तो अभी हमारा डेली की तरह काम वगैरह निपट चुका है, नहा लिया है, कपड़े भी धुल लिए हैं। तो आपने कल का ब्लॉग तो देखा ही होगा, कल मिस्टर जी आ गए थे और आज यहाँ बेड पे लेटे हुए हैं। यहाँ पे चल रहा है इनका पबजी। हाँ हाँ और बड़ी मुश्किल से दोस्तों इन्हें अभी नाश्ता कराया, क्योंकि ये नाश्ता बहुत कम करते हैं। बड़ी मुश्किल से जब मम्मी ने डांट लगाई तब जाके नाश्ता किया, नहीं तो कोई चांस नहीं था। और ये मैंने कल नई बेडशीट लगाई थी, मैं आपको बताना भूल गई थी दोस्तों। और ये देखो यहाँ कटोरी, इनके लिए नमकीन लेके आई थी मैं, इन्होंने सारी चट कर दी। तो अभी नाश्ता अगर हमारा सबका हो चुका है। पापा कल रात को नहीं आए, आज अब आएंगे दिन में या शाम तक ही आएंगे मेरे ख्याल से। और मधु जा रखी है स्कूल, मम्मी है बाहर पे कंघी कर रही है बालों को। तो चलो चलते हैं और अब लंच का भी देखते हैं। मिस्टर जी तो पता नहीं क्या खाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता अब खाएंगे, क्योंकि इन्होंने नाश्ता कर लिया है। और नाश्ते में बनाए थे आज मैंने मेथी के पराठे, तो पहले एक बार तो अपने लिए बनाए, फिर काम वगैरह करके मिस्टर जी के लिए बनाए। तो चलो देखते हैं लंच में क्या बनता है, कैसा कैसा होता है। और आज भी डेली की तरह बहुत तेज धूप है दोस्तों। और मम्मी देखो वहाँ एकदम गेट पे जा रखी है, धूप में नहीं दिख रहा ठीक से क्योंकि बहुत तेज धूप है। कल दिन में भी अच्छी खासी धूप थी, दिन में थोड़ा गर्मी सी हो रही है लेकिन सुबह शाम अभी थोड़ा ठंडा है, एकदम से गर्म नहीं हो रहा है अभी। तो चलो देखते हैं आप। अभी 12:15 हो चुका है और मधु आज लंच भी नहीं ले गई है स्कूल, क्योंकि आजकल प्रैक्टिकल वगैरह चल रहे हैं ना उसके, तो उसने बोला कि टाइम नहीं मिल रहा तो नहीं होता है फिर उसका लंच वगैरह। फिर वो नाश्ता करके भी नहीं जाते थे, 2-4 बिस्किट खा लेते फिर चाय के साथ, तो फिर नहीं ले जाते कुछ भी, तो फिर मैं जल्दी बना लेती हूँ, वैसे भी मैं बना ही लेती हूँ। तो आज रखी है मैंने गहत की दाल, तो पीली दाल तो मिस्टर जी खाते नहीं हैं, तो जब वो आते हैं तो मतलब नहीं बनती वैसे एक हिसाब से, ऐसा मान सकते हैं आप लोग। तो पीली दाल हमारे घर पे वैसे भी हर कोई भी मतलब कम ही खाता है, हम में से मतलब, तो अब तो बनेगी भी क्या। तो आज गहत की दाल रखी है मैंने, तो चलो तब तक मैं इसके लिए लहसुन वगैरह छील लेती हूँ। और देखो तब से लेटे हैं तो लेटे हैं, उठ जाओ भाई सुबह हो गई है, उठ जाओ। तो इनकी रात को भी बल नींद पूरी नहीं हुई, बोल रहे हैं मेरे को बल हैदराबाद में आदत पड़ गई थी तो मुझे यहाँ नींद नहीं आ रही है। मिस्टर जी को यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है ना, बोलो। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सच में? अच्छा क्यों नहीं लगेगा बेटा? अच्छा अब उठ गए हैं, अभी लेट गए हैं। ये कौन सा होता, भूख लगी है? अभी नहीं। हाँ वही तो, खाने का टाइम है इनका, क्योंकि 11 बजे नाश्ता किया, 3 बजे चावल खाएंगे ना। हाँ तो क्या खाओगे स्पेशल आज? अब जो स्पेशल बनाओगे वो खा देंगे। तो अभी हमने खाना वगैरह तो खा लिया है, मधु स्कूल से उसने बोला आज मुझे बहुत भयंकर वाली भूख लगी है, फिर हमने जल्दी खा लिया था। और यहाँ पे चल रहा है दोस्तों इन दोनों का कैरम, कहाँ गया ये है, कहाँ गया? ओ मैंने कैरम बोर्ड के लिए बोला ठीक है, कहाँ गया कुछ भी पागल। और ये हमने खाना खाया, नमक की डिब्बी यहीं पे रखी आज। और दोनों खेल रहे हैं। और 500 का नोट कहाँ है? 4 करोड़ का।
आज ये पैसा वाला गेम नहीं खेल रहे दोस्तों। अब मम्मी इधर थुपड़ी सी बैठी हुई है, दर्शक भी होने चाहिए बल गेम देखने के लिए, तो मम्मी देख रही है यहाँ से। कान चल रहे समझा मार दे, समझा मार दे। तो पिछले साल तो पता क्या, मम्मी और पापा खेलते थे और इनके साथ कोई नहीं खेलता था, दोनों खेलते थे सच में। इस साल नहीं खेला इन्होंने, आना आप तो खेल लो। ठंडियों में मजा आता है सच में कैरम बोर्ड का। तो मम्मी भी देखो वहां सोने चली गई है और मैं भी जा रही हूँ रूम पे। ये तो अपना खेल रहे हैं, तो थोड़ी देर लेट जाते हैं, सर दर्द हो रहा है पता नहीं। और यहाँ देखो ट्रीमर लगाया है, और जब मिस्टर जाता है ना तो सारे बेड में ऐसे सामान ऐसे फैला रहता है ना, मैं क्या बोलूं इनको। अब आएंगे खुद ही करेंगे, मैं तो नहीं करूंगा। तो दोस्तों कल मिस्टर जी मेरे लिए चॉकलेट लाए थे लेकिन मुझे देना भूल गए, और सुबह जब मैंने इनके बैग से कपड़े निकाले ना तब मुझे मिला, तो शायद वो चाहते थे वो खुद ही निकाले मेरे ख्याल से। तो चलो ये भी ठीक है, तो आ जाइए आप लोग भी अगर आपको खानी है तो। लाए तो हैं लेकिन मैं तो खाते नहीं हूँ, तो मैं इन सबको दे रही हूँ। मम्मी है ये कमले से कैसे चुगिया नीचे, और दोनों वहां पे बैठे हैं दिखा दो। आइए यहाँ पे, ये पता ये खा रहे हैं यहाँ पे संतरा खा रहे हैं दोनों के दोनों बैठ के। आइए ये जा रहा है दही के लिए, बल दही डालेंगे उसमें। तो चलो अभी हम उठ चुके हैं, वैसे नींद नहीं ऐसी लेटे हुए थे, और तब तक चाय बन चुकी है। कमलेश ने आवाज लगाई कि आ जाओ चाय पीने के लिए, ले आया है ये लड़का चाय यहाँ पे। और मम्मी देखो, मम्मी अभी तक सोई हुई है दोस्तों। अब मैं उठाऊंगी मम्मी को, उठा चाय है, पहले लाइट ऑन कर लेती हूँ मैं सर्वप्रथम दोस्तों। आओ चाय पीने के लिए। तो रहती खून दे, ये देखो रहती खून दो, इनकी यहाँ पे चल रही है टी मस्ती। बाजी मेरे ब्याह में कब जानी चाहिए घूमना। हाँ अब ये दोनों के दोनों दोनों भाई बहन जा रहे हैं घूमने के लिए, और अभी पापा आने वाले हैं। पापा का कॉल आया कि मैं आने वाला हूँ, तो आप थोड़ा सफाई वगैरह करते हैं। कल हमने ना सारा घर भांग से ऐसा कर दिया था ना, क्या बोले दोनों पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। तो दोस्तों एक बार हम आ चुके हैं फिर से किचन में, और आज मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ है मिस्टर जी। इधर देखो भाई, तो आज बना रहे हमारे मिस्टर जी हमारे खाना। तो क्या बन रहा है आपका? खुद बोलो, बोल मैं नहीं बोल रहा, बोल शर्म लग रही है उनको। दोस्तों मेरे मिस्टर जी ना बहुत शर्माते हैं, पता नहीं क्यों, है ना शर्माते हो ना क्यों? अब बोल रहे हैं मैं घर पे आता हूँ, तुम लोग मेरे को काम पे लगा देते। वैसे भी दोस्तों हमें कब खिलाएंगे, हम भी तो बोलेंगे ना कि हाँ होटल वाले बंदे हैं भाई, हमें खिला रहे हैं। ये ना मेरे से बहुत लंबे हैं, मैं छोटी सी उनके सामने, ये देखो देख सकते हो। तो आज बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं वैसे मुझे खुद नहीं पता क्या बन रहा है। तो आज बन रहे हैं चाप, कोई कोई बोल रहा है मलाई चाप, कोई बोल रहा है कौन सी चाप केड़ी। तो अभी दोस्तों पापा भी आ चुके हैं, और पापा लाए हैं आज अंगूर और क्या उसमें अमरूद, हाँ अंगूर और अमरूद है। तो ये देखो मिस्टर जी, अभी ये ना इनको रात को भूख लगेगी, कल इन्होंने 12:30 बजे कुरकुरे खाए। और ये देखो पापा लाए हैं अंगूर, तो चलो मम्मी के पास दे दो, फिर मम्मी दे देगी सबको थोड़ा थोड़ा, ये ना खट्टे हो रहे हैं। तो अब मैं आ चुकी हूँ एक बार फिर से अपने रूम पे, और खाना वगैरह हमारा हो चुका है। फिर उसके बाद पता क्या हुआ, लाइट चली गई थी आज, पता नहीं क्या हो गया, 1 घंटे बाद लाइट आई ठीक। और फिर पापा को तो भूख लगी थी, पापा ने बोला कि जल्दी जल्दी बना दो, फिर मैंने ऐसी फ्लैश लाइट ऑन करी मोबाइल की, तो फिर मैंने रोटी बनाई, और रोटी मैंने बना ली थी तब जाके लाइट आई, पता नहीं आज क्या हो गया। तो फिर आ गए थे, फिर हमने सब ने खाना वगैरह खाया, फिर मैंने फिर सूट वगैरह कुछ भी नहीं किया क्योंकि बिन लाइट के भी कैसे होता है दोस्तों, है ना। तो अभी और देखो मिस्टर जी को, सोए नहीं है, नौटंकी कर रहे हैं, सोने की एक्टिंग चल रही है, सोए नहीं है अभी तो। ये 12 बजे तक ऐसे उठे रहेंगे,
क्योंकि इनको तो आदत है रात के 2-2 बजे तक सोने की, सॉरी जागने की। तो चलो दोस्तों अब आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो आई होप आप सब लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आएगा, ब्लॉग पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं कल आपको नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट मॉर्निंग के साथ, तब तक ले बाय बाय।